हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एवरीथिंग इज बेस्ट में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कि आप कैसे यदि व्हाट्सएप का यूज़ कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपका मोबाइल यदि किसी और के हाथों में जाता है तो अनसिक्योर आपको फील होता है, कि आप सोचते हैं यदि वो आपको व्हाट्सएप देख लेगा, उसमें आपने कई सारे ऐसे मैसेजेस भेज रखे हैं आपके फ्रेंड को जो किसी को आप पढ़ाना नहीं चाहते हैं। बहुत सी सिक्योरिटी या प्राइवेसी पर्पस से भी बहुत ज़रूरी होता है, तो कुछ इम्पोर्टेंट फीचर और इम्पोर्टेंट सेटिंग मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। कि ऐसी सेटिंग जिसको करने के बाद आपका व्हाट्सएप पूरी तरीके से सिक्योर रहेगा, उसमें आपको कोई भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं चलेगी। तो मैं चलता हूँ डायरेक्ट सेटिंग की ओर। तो सबसे पहले हम व्हाट्सएप ओपन कर लेते हैं और उसके बाद देखिए व्हाट्सएप ओपन हो रहा है और यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे हैं राइट साइड में ऊपर ही ऊपर। यदि आपको 3 डॉट नहीं दिख रहे हैं और ये लोगों के पीछे छुप गए हैं तो आपको मैं थोड़ा सा नीचे करके बता देता हूँ, जूम करके। ये देखिए 3 डॉट है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग पे आ जाना है। सेटिंग के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे आपको अकाउंट का सेक्शन दिख रहा होगा, अकाउंट सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे प्राइवेसी सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। प्राइवेसी सेक्शन में आ जाने के बाद आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाना है। सबसे लास्ट में आपको फिंगरप्रिंट्स लॉक ऑप्शन दिख रहा होगा जो कि डिसेबल्ड है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। और सिंपली आप यहाँ पे टैप करके और यहाँ पे कंफर्म फिंगरप्रिंट को यहाँ पे कंफर्मेशन दे सकते हैं, आपका फिंगरप्रिंट्स यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं। जहाँ पे भी फिंगरप्रिंट सेंसर होगा उसमें आप थोड़ा सा यहाँ पे टच कीजिएगा आपकी उंगलियों को, तो यहाँ पे ये लॉक आपका इनेबल हो जाएगा। और ये आफ्टर देखिए ये बता रहा है कि इमीडिएटली लॉक करना है या 1 मिनट के बाद लॉक करना है या 30 मिनट के बाद लॉक करना है, तो हमें इमीडिएटली लॉक करना है इसलिए हम इमीडिएटली पर टिक कर देंगे और यहाँ पे हम सिंपली बैक आ जाएंगे। पूरा बैक आने के बाद अब मैं आपको बता देता हूँ, अब मैं आपको वापस से व्हाट्सएप पे जाके बताता हूँ। हम पहले हमने व्हाट्सएप ओपन किया था तो इजीली वो ओपन हो चुका था, अब हम व्हाट्सएप पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए फिंगरप्रिंट्स लॉक मांग रहा है। फिंगरप्रिंट्स व्हाट्सएप लॉक हो चुका है और यहाँ पे अनलॉक करने के लिए फिंगरप्रिंट्स मांग रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से आपने बिना एक्सटर्नल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बिना किसी सेटिंग बिना किसी एक्सटर्नल सेटिंग की सहायता से आसानी से आपने व्हाट्सएप लॉक करना सीखा। तो इसी तरह के टेक्निकल वीडियो मैं आपके लिए आता रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।